मैं अपने आप को कितना कमाल वाला पाता हूं। हर आदमी का कमाल, हर आदमी की वैल्यू, हर आदमी की कद्र कीमत क्या है खुद तय करता है, दूसरा कोई तय नहीं करता। अब दूसरी बात है कि जब मैं अपनी वैल्यू खुद लगाऊंगा तो कम लगाओ या ज्यादा, चाहे दुनिया में कोई ऐसा आदमी ना हो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप जब उसे मिले तुम्हारी वैल्यू क्या है तो वो ज्यादा ही बताने वाला। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो कहेगा कि मेरी वैल्यू बहुत कम है ना। लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह कह रहा है, कुरान से कहता है कि देखो अल इंसान वाला जब से ही बसीरा बराबर, इंसान अपने बारे में अगर मैं आप कहूं कि आपके अंदर ये चीज है, आपकी वैल्यू ये है, तो कहेंगे मैं तय करूंगा अपनी वैल्यू की, तुम तय करोगे, ये मैं बताऊंगा मेरी वैल्यू क्या है। तो खुद अइमा भी अल्लाह भी कह रहा है कि सबसे ज्यादा एक इंसान अगर कोई विजन की बात करता है तो खुद उसके अंदर क्या विजन है, बसीरत क्या है, वो खुद बता सकता है, कोई दूसरा बता नहीं सकता। एक और अजीब पढ़ना चाहता हूं अपनी बात के सपोर्ट के लिए। क्या आप फरमाते थे मौला अली अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि देखो इंसान ही वो है, जितने दूर तक तुम सोचोगे तुम्हारी परवाह जितनी बुलंद होगी, कैसे बुलंद होगी, जब तुम अपनी फिक्र के घोड़े को दौड़ाओगे, तो जितना दौड़ाओगे, इसीलिए ये कद्रो कुल रजुले, हर इंसान और भट की कीमत क्या है, मां तफक्कुर, जो वो सोचता है वही उसकी कद्र कीमत। अब एक आदमी मतलब देखिए मैं मिसाल ला रहा हूं, एक आदमी लंगड़ा है और हमारे हिंदुस्तान में क्या कहे कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ूंगा जो दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ है, बढ़ेगी ना लंगड़ा होके उस चोटी पे जाने की मत करता है। अच्छा वो कर सके तो आप कहेंगे माशाल्लाह भाई ये लंगड़ा होने के बाद भी जा सकता है तो मैं पैर सही ताली भाई क्यों नहीं जा सकता हूं है? तो ये मोटिवेशन का सबक बनता है कि हम इस लंगड़े को लेकर क्या करते हैं कि ये लंगड़ा जो है पहाड़ी पे जा सका तो मैं क्यों नहीं जा सकता है ना। सेम इसी तरह है कि आत्मा हमारे चाहते थे हमारे चाहने वाले का विजन दुनिया में सारे इंसानों से आगे हो, और खाली आगे ना हो बसीरत के साथ आगे बढ़े। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं छठे माह की एक हदीस है कि देखो अगर तुम्हारे पास बसीरत नहीं हुई और किसी रास्ते पे चलोगे तो जितनी तेज चलोगे उतना ही मकसद से दूर होते जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा विजन तुम जानकर इस रास्ते पे गए हो तो जितनी जल्दी तेजर होगी जल्दी मकसद तक पहुंच जाओगे। तो आज एक मोमेंट की पहचान क्या होना चाहिए कि जो रास्ते पे चले उसकी मार्फत हासिल कर दे, उसकी गहराई में जाकर उसकी एक एक जुजियात को जानकर चले, ठीक है। अब आप मैं दो तीन बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, आप बताइए दुनिया में अल्लाह ने जो इमाम रखा है ना, इमाम कायनात तक सबसे आगे रहने वाला है। यह कुरान ने यूं ही नहीं कहा, एक जगह नहीं कहा कुल तो शायद आज तक ना होगी इमाम भी होगी, ए इंसानो जो कुछ चाहिए तुम्हें हमने इमाम मुबीन में रखा है। फिर क्या कह रहे इमाम मुबीन क्या है, वो इमाम मुबीन वो इमाम है जो कायनात तक तुमसे आगे रहेगा, तुमसे पीछे नहीं रहेगा। अगर पीछे होगा तो इमाम नहीं होगा, कुछ और होगा। तो अब ऐसी बात है कि जब अल्लाह ने हमें एक ऐसा इमाम दिया है जो कायनात तक आगे रहने वाला है, तो दुनिया में किसी को आगे बढ़ना है तो उसका बेहतरीन रास्ता क्या है, एक्सेप्ट ही अपने आप में इमाम के पीछे रहना, क्योंकि जहां आप जाना चाहते हैं ये इमाम है वहां पहुंचा सकता है और कोई आपको नहीं पहुंचा सकता। अच्छा दलील क्या है, दलील कुरान क्या है, कुरान में देखिए आप अल्लाह अपने रसूल के बारे में कहता है मेरा हबीब ऐसा इल्म और ऐसी समझ लेकर आया, कायनात का कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो
वो इल्म नहीं दे सकता जो मेरा रसूल दे सकता। जो अल्लाह को मालम सको तालम है सालो, ये याद रखो मेरा हबीब इसमें इतनी ताकत है कि ऐसी चीज सिखा देगा जो कायनात का कोई इंसान नहीं सिखा। हो ये इल्म को रसूलुल्लाह ने कब मुंतकिल किया है हमारे महबूब है। हो अब मैं कहता हूं बहुत लंबी ये तमीजा हो, अब हम जब हम सारे हुसैन को देखते हैं ना तो कुछ ऐसे थे कि उन्होंने भाई बोला वो पहचानना नहीं, बसीरत के साथ पहचान डीप नॉलेज उन्होंने हासिल अपने मोहम्मद के बारे में जाना, फिर उनके पीछे चले। और कभी आप ये जुमला सोचिए कि कर्बला में इमाम हुसैन किसी किसी का नाम लेके गए थे तो उनको जाना हो चले नाम नहीं। देखिए एक बार ये खुतबा शब आशुर में दिया, देखो ये पूरा जो लश्कर आया है वो सिर्फ मेरे लिए आया है, वो मुझे कत्ल कर देंगे शहीद कर देंगे तुमसे को कुछ लेना देना नहीं, तुमको जा रहा हो चले, लेकिन अगर मेरे साथ खड़े रहे तो सब के संभाल लिया। ठीक है अब उसने वहां पर नाम लिया, बता किसी नाम लिया पता तुमको जा रहा है चले, पता तुम्हें जा रहा है चले जाओ। अच्छा ये गारंटी के साथ चले जाओ मैं अपनी बैत तुमसे ले लेता हूं, जाओ कोई मसला नहीं मैं इजाजत देता हूं तुम्हें जाओ, ऐसा नहीं मैं नाराज हूं कि तुम जा चले जाओ मैं नाराज नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं जाओ मैं राजी हूं कोई मसला नहीं। और अब वो खड़ा होता है तो क्या कहता है, आपकी जो खड़ा होकर कहता है ना वो उसका विजन बोलता था, उसकी ताकत उसकी मार्फत बोलती थी, जितनी मार्फत थी उस तरह का उसने करबला में खुतबा दिया है बोला कि इस जुमले के बाद। आप अंदाजा करें कुछ कुछ का खुतबा इतना मोतबर है, मैं वाकई सोचता हूं उनकी अजमत को सलाम, उनकी बुजुर्गी को सलाम, उनके विजन को सलाम, कि आप कभी सोचिए इमारत वो है जो आगे रहता है। बार बार मैं कह रहा हूं ताकि ये बात आपको पहुंचा दूं, इमाम वो है जिसके इल्म के आगे कोई इल्म नहीं, उसकी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, उसके कमाल के आगे कोई कमाल नहीं, उसकी इबादत के सामने कोई इबादत नहीं। हत्ता ये कायरा अल्लाह क्या कहता है कि जर्रा जर्रा मैंने उसके पीछे लगा दिया है। अब उसकी अजमत को क्या कहें जिसकी अजमत में यह है कि अल्लाह कह रहा है कि इसकी सदाकत मैंने इतनी मोतबर बनाई है कि जो चीज है वो कहते तो है, जो चीज नहीं है वो कह दे तो कायनात में वजूद में आ जाए, इसकी सदाकत नहीं है। तो ऐसे इंसान ऐसे इमाम को अगर किसी इंसान की बात वो रिपीट करे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने एक ऐसी बात कही है जो सच्चाई के साथ साथ मौला के दिल को छू रही है, मौला के दिल को छू रही है। अब जिस सहाबी का जिक्र करना चाहता हूं मैं, नाम बहुत आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि नाम ऐसे जो खुश मशहूर है उनका जिक्र ना करूं उनकी बायोग्राफी ना पढ़ूं, तो ये खाली नाम आपने सुना है, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं उनकी तारीख से आप वाकिफ नहीं, उनकी जिंदगी के कारनामे से आप वाकिफ नहीं, उनके कमाल से वाकिफ नहीं। मैं एक मिसाल सही अमेरिका का कल सईद इब्ने मुर्दा अख्तमीमी, आज दूसरे सईद का जिक्र करता हूं, सईद इब्ने अब्दुल्लाह है कूफी, सईद इब्ने उबैदुल्लाह या अब्दुल्लाह है कूफी। तो सईद जो है इस जो अपने हिंद कबीला था उस कबीले में नहीं पूरे आलम तशय्यों में पूरे एशिया माशरे में तीन चीजों के लिए लड़े थे, एक इबादत, इबादत इस कदर कि हर इंसान उनकी इबादत पे नाज करता है, अगर इबादत करना है तो सही इंजा तो उसके मसला हो शुजात और विजन बसीरत, बसीरत ऐसी कि आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि तीन चीजें पूरे शिया माशरे में इसकी शोहरत रखती है। हर आदमी इन तीनों चीजों का नाम लेते हुए अच्छा आप वो कहना चाहते हैं जैसे आज हमारे में होता है इस तरह कि अगर कोई डॉक्टर किसी गांव में बहुत मशहूर हो जाए
तो आपको खाली क्या कहना है, जाके पूछो डॉक्टर साहब है आप, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कह रहा हूं डॉक्टर आप और कह रहे अच्छा बोल तो पूछ रहे होंगे ठीक है। और कभी कभी क्या होता है मैं डॉक्टर नाम भी बताऊं तो आप कहते नहीं जानता। इसी तरह शहीद ने क्या किया, नाम से ज्यादा अपने कमालात से अपने आप को पहचान लाए, ये उनकी। अब आगे चलो तारीख में उनके बारे में मिलता है कि वो ईसाई बन जाए और आप ताजुब करेंगे कि वो ईमान क्यों लाए वो लोग। ये पूरा कबीला जो इसका था, ये पूरा कबीला एक जाहिरियत के जमाने में इन्होंने एक अपने वहां से वक्त बेचा रसूलुल्लाह के मदीने, एक डेलीगेशन बेचा जाइए रसूलुल्लाह के पास बात करती थी। इस जमाने वो डेलीगेशन जब गया वहां तहकीक करने के लिए रसूलुल्लाह की सच्चाई को लेते, तो उस इतना टाइम लगा दिया कि रसूलुल्लाह की वफात हो गई। वफात के बाद आए कोई कभी रहने ना पा, लेकिन चाहते इस्लाम उसके बाद एक बड़ी दृष्टि हो गई कि लोगों ने क्या किया अहले बैत का हक रद्द कर लिया। और उसी दौरान एक मुसील अब्दुल कज्जाब का नाम तो सुना झूठे नबी नबू हजरत के अलावा के, वो भी इसी इन्हीं के कबीले के थे, इन्हीं के कबीले के थे। लेकिन जो डेलीगेशन गया था और रसूलुल्लाह की बातों को सुन के आया था और उसके बाद ईमान लाए, उनमें से जब इस्लाम को समझा और उसकी हकीकत तक पहुंचे तो इस्लाम कबूल किया। इसीलिए अगर से सारे लोग का जब जो दिल हो रहा था तो अली अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ की तरह खड़ा। आप इसी तरह लगा लीजिए कि जब 10 डिग्री में 11 डिग्री में तो रसूलुल्लाह की वफात के बाद फौरन क्या हुआ तो सब चलते हैं मुझे बताई तरीके। लेकिन आप अंदाजा कर ले कि सब जो है तरकुत का शिकार थे, वही तरीन बोला बेदा कर। आप इसे नजर नजर कहते तो उनकी वैल्यू उसी से है। तीनों जंग में कोई ऐसी जंग नहीं थी जब वो इमाम के सिपाही बनकर मैदान में हाजिर नहीं। देखिए कहने का बोला था तीनों जंग में बोला के साथ जंगी जमल में गए, सफीन में गए, नगरवान में गए और कई कई घने जगहों में रहे। इसलिए ये तो जंग करेगा तो तीनों जंग में शिरकत की और अपने मौला की नुसरत से। तारीख कहती है कि आप जब ये मसला हल हुआ कि नहीं इतना जो है लंबी जंगें चली और तीनों जंगों में शरीक रहे, तीनों जंगों में शरीक रहे, फिर आप अंदाजा कीजिए कि एक वक्त आया जब इमाम हसन की तुरंत नंबर आए इमाम हसन। अब उस वक्त कितने लोग आप आज तारीख में पढ़िए तो इमाम हुसैन की सुना से शिया खुद कितना नाराज है, ये शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो अपने आप को कह रहे थे कि हम वफादार है वो भी। एक मिसाल दे जाता हूं, अगर कूफे में चले जाएंगे तो कूफे के बड़े बड़े कबीले के सरदार सुलह इमाम हसन से नाराज थे। ये सही चूंकि इमाम से जिनकी वजह से हमने इतनी परेशानियां उठाई तीन जंगों में, तीनों जंगों में क्या क्या हुआ मेरे आपका आज हम उनसे सुना कर रहे। फरमाया इमाम ने कि इमाम के आगे चलोगे या पीछे ये बताओ। किस आदमी को बोल रहे ऐसा तो मैं नहीं दे रहा था, जब मैंने इमामत तस्लीम की है तो बस पीछे पीछे एक सलवार पड़ी है मोहम्मद वाल मोहम्मद। और नतीजा देखिए आज ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत। अब ये आपको बात सुनाता हूं, देखिए जब हम ये बात कर रहे हो ना कि जब मनसार हुसैन की वैल्यू को जानना चाहते हो तो हमें लगता है कि मौला ने कह दिया गया है मेरे सहाबी और तुमसे बढ़कर कोई सहाबी मेरे ना बाबा को मिले ना मेरे नाना को मिले ना मेरे भाई को मिले। हम सोचते
इसलिए हम आज भी बड़ी आसानी से कह लेते, लेकिन सच्चाई है ना, खुदा ना करे अल्लाह किसी को इंतजार न रहे। देखिए हमारे पास ये नहीं है, आप हमारे पास रवायतों में है कि आप ये तो दुआ ना करें कि आपको अल्लाह इम्तिहान न दे, आप ये दुआ करें कि अल्लाह ऐसा इम्तिहान न दे जिससे मैं कामयाब न हो। वो बड़ा इम्तिहान को अल्लाह देने वाला है, किसी का भी नहीं जाता। तो अब जब हम देखते हैं तो मैं मिसाल देना चाहता हूँ, बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि भाई ये हदीस मुझे बार बार दिखाई देती है लेकिन मेरी समझ से बात, इसलिए मौला हुसैन कहा और ये इनकी क्या हैसियत है, इन शादियों की क्या वैल्यू है उनके सामने, इनके तो ऊपर वाजिब कर दिया और आपकी उसरत कर दी, शिक्र की बात है। अब अल्लाह को उसको हिदायत कर रहा है, अल्लाह फैसला करे मेरे साथ ही आपके साथ ही, अगर कोई शक हो तो हमें अल्लाह ही हिदायत कर दे, हमारे लिए कभी ताबूत पैदा हो तो अल्लाह ही हमें रास्ता दिखा दे, बड़ा ही बहुत अच्छी काम है। वो कहते रात हुई जब उसे को काम ले, क्या कह रहे हो तो तुम घबरा रहे हो, बोला कि पूछ रहे क्या कह रहे हो, कहा बोला मैं समझता चाहता हूँ ये कैसी बात है कि आप कह रहे मतलब आप मेरे साथियों से बढ़ के आपके साथी है किसी रसूल के साथ ही आपके पापा के साथ ही उनका खान था उनके पीछे पीछे चलता, इसमें कौन सी बात है। अरे भाई आका वो मुझे थोड़ा सा समझ में दिया, तो हमने कहा तुम मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं, आज मैं आपसे सवाल करूं, मैं अपने आपसे भी सवाल करूं, आपसे क्या, तो जो भी शायद पूरे मजबे में बैठा है वो एक भी नहीं होगा कहेगा मैं बोला कि नुसरत नहीं कर रहा, मोहब्बत खुद जो है इस बात का तकला करती है कि अगर वो हल में नाते कहे तो हम उनकी नुसरत के लिए दौड़ पड़े नहीं, लेकिन नुसरत के लिए दौड़ पड़ना और है नुसरत करना और है, नुसरत करना और है और दौड़ पड़ना और है और है जी। क्यों, इसलिए कि जब नुसरत का मौका आता है ना, और अगर जैसे हर तरफ से गोलियां चल रही हो कि आओ इमाम खड़ा है उसके सामने खड़े हो जाओ गोलियां खाओ, उस वक्त खड़े रहे ना ये आसान काम नहीं है, किसी के लिए नहीं करते। इसके लिए क्या है, वो कुरान जो कहता है कि उसके लिए बसीरत बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसी बसीरत चाहिए जहां अपने हैसियत इंसान खोले और सिर्फ अपने इमाम को याद करे, अपना वजूद मिटा दे। आप सारे कह दिए इमाम ने तुम नुसरत करना चाहते हो नहीं, तो बोला एक ऐसी बात है ये नहीं रहता है तो आपकी नुसरत करना, पर मैं ठीक है तैयार रहो अभी बताऊंगा कि कब मेरी नुसरत करना है, तैयार हो। अच्छा अब अल्लाह को इमाम को उनको दोनों को बताना था कि कहते देखो थोड़ी देर के बाद करबला सच जाएगी, तुम मेरे एक नाते बन जाओ, आज 2100 साल के बाद आओ नाते बन जाओ, आओगे बोला मैं आऊंगा ठीक है, नमाज के लिए मैं खड़ा हूं, देखो तीर बरसा रहे हैं तुम तीर ले लो उनके ऊपर, तीर बरसाओ ये तो असहाबे किया, मैं आपको अभी इंशाल्लाह इसी चीज में एक मैंने सुनाऊंगा, ऐसे भी चाहने वाले थे कि जब मौला के लिए नुसरत के लिए आगे बढ़े तीर ले लें ना, तो अगर हाथ से नहीं रोक सके तो अपना चेहरा आगे कर दिए कि चेहरे पे तीर मौत की तरफ गर्दन बढ़ा दिया, मैं हाथे लेकर ऊपर मेरी गर्दन जाता है के ऐसे ऐसे चाहने वाले हो, इस तरह करने वाले हो तो हम सारे हुसैन बनते हैं। अब कह दिया बोला रे तुम कह रहे हो ना तुमको शक है ना, बोला आ जाओ जो कह हुआ चाहता है और मैं नमाज के लिए खड़ा होता तीर रोक लेता, मैंने देखा कि अब बोला अल्लाह अकबर कहते हैं सामने कह रहे खड़े हो, और अचर ये कहते मैंने पक्का इरादा किया था मैं नुसरत करना चाहता हूं, मैं वाकई नुसरत करना चाहता हूं, बस एक तीर सन्नाटा हुआ आया और करीब जब आया तो कहते मैं हैरान हूं कि खुद ब खुद मैंने कदम पीछे कर लिया वो तीर, बोला बोले मुझे देखा वो तीर मैंने सोचे क्या किया मैंने, मैंने कहा था बोले थे दूसरा तीर आप पकड़ा लगे दूसरा तीर आएगा तो नहीं, तो ठीक ऐसा मुझसे गलती हो आप
चाहती है की हिजरत क्या है, अगर आप और आपका बच्चा चलता हो रहा चल रहा और कहीं से पत्थर आए तो इंसान अपना सर झुका लेता है। आप जान पूछ के खड़े रहे आपको पत्थर देने के लिए, वो एक हिजरत मरना है। यकीन करना कभी बात पकड़े के अल्लाह के सिस्टम में एक तरह की चीज है। दूसरा आया कहते पक्का है आया था कि रोकना है मुझे, लेकिन जब करीब आया तो फिर से सर खाली का पांच बार ऐसा हुआ। सवाल खत्म हुई जब आपने फरमाया देखा तो कहते थे ना कि मैं नुसरत करूंगा। अब तुम सोचो मेरे सहाबी कैसे थे जिससे 17 तीर अपने वजूद पर लिए और एक तीर मेरी तरफ आ गई। यह है दलील कि मेरे सहाबियों की ताकत सारे सहाबियों से ज्यादा थी जो मेरा हिसाब हो गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर उनके विजन को, उनकी ताकत को, उनके यकीन को बताना है। इसीलिए एक जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं सईद इब्ने अब्दुल्लाह से, जानते सईद, मैंने कहा कि ये ईमान कब लाए थे, रसूलुल्लाह की वफात हो गई तो पूरा कबीला गया है, लेकिन चूंकि बसीरत के साथ लाए थे इसलिए जब उसी हमारे दावा किया और ये मुसलमान फौज गई हमला किया इस कबीले को तहस तहस कर दिया, फिर भी ये आदमी ईमान के साथ मामूली बात नहीं थी। ये पूरे 25 साल तक जमाम खामोश रहे, जमाम के साथ रहा, जब 4 साल हुकूमत आई तो इमाम के साथ रहा और फिर इमाम हसन के साथ। और इसके बारे में अब कूफे के बारे में तारीख पढ़िएगा कि कूफा अमीर शाम के जमाने में सबसे ज्यादा सख्तियां देगा। इमाम पंचम की गरीब है खुदा की कसम, हमारा कोई शिया अगर उस जमाने में शिया कहलाता था तो या तो उसकी जान चली जाती थी, या उसका घर लूट लिया जाता था, या उसके घर को गिरा दिया जाता। ये खुद इमाम ऐसे सख्त जमाने में कहा है कूफे में सैयद अब्दुल्लाह कहा है। अच्छा आप जब ये वादिल हो गए हमलों पे चले गए अमीर शाम तो कूफियों ने खत लिखा, तो आप तो देख कूफियों ने खत लिखा तो पहली बार हफ्ते की टोली गया उसे बहस नहीं है, पूरी तारीख है। दूसरी बात, तीसरी बार जब खत लेके जाने वाले सईद इब्ने अब्दुल्लाह और उनके साथ खानी आगे के ये खत लेके लेके इमाम से गए कहां में, मक्के में। इमाम को कितना इस आदमी में भरोसा था कि जब खत लेके सईद गए तो इमाम ने पूछा सईद तुम खत लिखे आए हो लेकर आए हो क्या कूफी मुबा करेंगे। तो सईद ने एग्जैक्टली इमाम के सामने पूछा, मौला कह रहे हैं अब ये आजमाने का मौका है, कह रहे हैं फला कबीला फला कबीला को। तो इमाम ने कहा ठीक है तुम आए हो, एक काम करता हूं मैं दो रकअत नमाज पढ़ा। इमाम ने दो रकअत नमाज पढ़ी और खुद उसके बाद तारीख ही जुमला इमाम ने इरशाद फरमाया सही मैंने अपने दादा को अभी ख्वाब दे देखा, अभी नमाज पढ़ लिया है हम सोए होंगे तो ख्वाब देखा ऐसे तो नहीं हो देखा, तो ख्वाब में देखा है सही मैंने ख्वाब दे और मेरे दादा मुझे कुछ कहे नहीं और मैं उस ख्वाब को करने जा रहा हूँ ताकि अल्लाह कर लिया। ये नहीं बताया इमाम ने क्या फिर एक जुमला फरमाया कहा सही अब तुम खत लेकर आए हो तो चूंकि इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है जाओ कूफे में मेरे भाई मुस्लिम के लिए जमीन तैयार करो। ये भी इधर ये बहुत बड़ा उदर है कि मौला आपको एक काम दे कि जाओ एक शहर को तैयार करो ताकि मेरा रिप्रेजेंटेटिव वहां आ जाए। एक जुमला कहूं अल्लाह आपको और मुझे भी अल्लाह का भी ऐसा मौका दे कि हमारे मौला हमसे कहे कि एक काम हमारा जाओ करो तो भी वहां अलग जगह करना है और हम वो कर सके कर सके। अब तारीख कहती है कि सईद गए और उन्होंने पूरे कूफे दे के माहौल तैयार किया, इसलिए अल्लाह ने 3 दिन के अंदर 18,000 से लेकर 40,000 लोगों ने बैत की। आप अंदाजा कर सकते हो कि तीनों रवायत में 18,000 से लेकर 40,000 तक। और फिर जनाब मुस्लिम ने खत को लिखा था कि मैं उसे इनको शहीद को दिया
सही ले जाओ, मेरे पापा को इधर पहुंचा दो कि कुर्ते आ जाए। अब सही तो यहां से चलेगा, कहा तमाम जरा मुस्लिम जाति का साथ लेकर मक्के चलेगा, और अब मौला के साथ मक्के से मक्के आए, मक्के से फिर अब रास्ते में खबर मिल गई कि कुफी वफा नहीं किया, उन्होंने धोखा दे दिया है, और फिर वो कुफा ही आए सीधे इमाम के साथ करबला पहुंचे। जब करबला पहुंचे अंदाज अली तो तारी कहते कि चूंकि बहुत मशहूर थे, रास्ते में एक आदमी से बोला तुम मुझे सही तुम हो, और मैं तुम हो क्या जो तुम मुझसे पुत्र तुम हो, क्या तुम किसके साथ, क्या मैं उसके साथ हूं जो रसूल का बेटा है, तुम किसके साथ ये बताओ, उसके साथ हो जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला लीडर है, आओ मेरी तरह उसके साथ हो जाओ जो जन्नत की तरफ ले जाए। ये बात चीज हुई जिसको इजाजत लेके जाने नहीं मिलती, करबला में आ गए, मैं आने कहता हूं बात बहुत तबीयत हो जाए जान गया भी। तो जब करबला में आए तो सबे आशूर मौला ने इनसे भी कहा सही मैं पैर उठा लेता हूं तुम्हें चाहना हो चले, ये हमने सही से जब ये कहा तो सही खड़े हुए, मैंने कहा कि वो सब खड़े हुए तो सबने कुछ न कुछ कहा था, आज पूरे वक्त तक ये मौजूद है कि कुछ ना कुछ इन्होंने कहा था, ये खड़े हुए तो बड़े अजीब जुमले थे, मतलब एक जुमला क्या है उस चीज में से कहा ऐ मेरे आका आपके जन्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, शर्मा पड़ी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मेरा मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तब मैंने ये जुमला सारे अहबाब के लिए बनता है, ऐ लोगो मैं अहले बैत को तुम्हारे दरमियान छोड़ के चला जा रहा हूं। आज ये हदीस चलते हर मुसलमान के सामने वाला नहीं करता कि रसूलुल्लाह ने सारे लोगों के सामने कहा था ऐ लोगो मैं तुम्हारे दरमियान अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, और कयामत पे आओगे तुम तो पूछूंगा मेरे अहले बैत के साथ तुमने क्या ये पूछूंगा। आज अहले सुन्नत की हदीस को मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा हो, जब खड़े हुए तो फरमाया ऐ मेरे आका मुझे पता है अगर मैं आज रसूल की इज्जत करना चाहता हूं रसूल का एहतराम करना चाहता हूं तो उसका एक ही तरीका है कि आपके साथ खड़ा, मेरे पास है मेरे आऊ बोला कोई रास्ता नहीं है कि पैगंबर की रसालत को मानू और आपको तरह छोड़ के चला जाऊं, ये नहीं, मैं अगर अपने ईमान को बाकी रखना चाहता हूं तो उसका तरीका ये है कि मैं करबला में आपके साथ खड़ा। उसके बाद क्या था कह मेरे आका ये तो चार हजार एक बार दी है, अगर मुझे ये चार 70 बार मिलती और हर बार आपके लिए लाता लड़ते लड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, आग पे जला दिया जाता, मेरी खाक को उड़ा दिया जाता, ऐ मेरे मौला 70 क्या 70,000 बार भी ऐसा होता आपका दामन छोड़ के देता। ऐ मेरे आका ये कैसी बात, मैं फिर उसके बाद क्या बोला मुझे पता है एक बार मर गया तो फिर क्या होगा, यदि एक बार मरूंगा तो ऐसी इज्जत नसीब होगी जो कयामत तक इससे कोई दाग नहीं डाल सके, ये आपके साथ है। और ऐ मेरे मौला जब शहीद होगा तो रसूलुल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो कह सकूंगा कि अल्लाह के रसूल मैंने आपका रिश्ता हुसैन से जो था उसकी बारदारी करते हुए अपनी जान दी। ये उन्होंने खड़े होकर कहा और इमाम ने दुआ की। मैं आना चाहता हूं आप जानते हैं ये इस कदर अजमत का हामिल था, क्या रवायत के जुमला है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने जब ये शुहदाए करबला को सलाम किया है तो पूरी बात जो शहीद ने उस दिन कही थी इमाम ज़माना वो पूरी बात ज़ियारत में जिक्र करने के बाद तीन जुमला कहते हैं,
तीन जुमला खुद के बारे में कहते सईद लकद लकैत हमामक, ए सईद तुमने अपनी आरजू जो की थी वो पा ली, वो वासईत इमाम का, और तुमने वो हक अदा किया जो इमाम का तुम्हारे ऊपर होता, वासईत उसके वापस उनका हक तो था, तुमने अपनी जान देकर उनको पूरा कर। उसके बाद में जुमला है वो वाकई हैरान को एक इमाम की अजमत कहा और ये कहा जो जुमला है वापस आता है, फरमाया हाँ आलाए लीन में मुझे भी शौक है कि तुम्हारे साथ रहूं। इतना बड़ा जुमला है कि आलाए लीन कयामत ने वहां कहेंगे ए सईद जहां तुम पहुंच गए हो आलाए लीन में मुझे भी शौक है कि तुम्हारे साथ। किस तरह एक इंसान की आत्मा को बुलंद कर देता है कि इमाम जो कायनात इंतजार कर रही है वो इंतजार कर रहा है कि कयामत होगी तो मैं उसके साथ, मुझे भी शौक है उस आदमी के दर्जे में उसके साथ शरीक हो। अब अजीज अली गी मार के आ जाता हूं और मुझे इसको समेट लेता हूं। जब तक मुहर्रम आई और हमला हुआ तो तारीख कहती है ये जो जिसने जिक्र किया था बोला नमाज नमाज पढ़ लेते तो ठीक है नमाज पढ़ लेते, तो सईद और जुबैर दोनों खड़े हुए नमाज के सामने और अजब जुमला है जो तीर आता था आज रावी कहता है किसी को हाथ में किसी को सीने पर किसी को अपने गर्दन पर किसी को अपनी पेशानी पर, देखिए कभी रोक नहीं लगे रहे हैं हाथ नहीं पकड़ पा रहे तो पेशानी कर दिया कि मेरी पेशानी पे लग जाए मेरे गले पे लग जाए मेरे सीने पे लग जाए लेकिन मोरे मौला के झूके भी न होते। अभी जाने के आदमी नमाज जब तक आप पढ़ते रहे वो आदमी नहीं गया। कितना आप देखिए कभी कभी आपके जख्म कितने लटकारी है ये आपको नहीं पता, एक तीर लगे तो शायद लगा देगा तीर में मैं गिर जाऊं और आप गिर जाए कोई नहीं गिर जाए, लेकिन कितनी इस्तकामत उस आदमी की थी जब तक नमाज खत्म नहीं हुई वो। अतः मैंने देखा कि नैजा भी अपने चले दूर से नैजा किसी ने मारा वो तीर के साथ नैजा भी रुक गई। नमाज खत्म हुई तेवरात के जमीन पर मैं सोचता हूँ नमाज खत्म हुई देवरा के क्यों गिरे, इत्मीनान हो गया कि मेरे मौला ने नमाज पढ़ ली है अब उनकी तरफ तीर जाएगा तो मौला खुद बचा सकते हैं नमाज तो कुछ नहीं करेंगे अल्लाह की बारगाह में या तो खुद बचा लेंगे। शायद इसी इस्तकामत ने उस वक्त तक साथ दिया जब तक नमाज खत्म हुई। जब नमाज खत्म हुई देवरा के जमीन पर हम सरहदे आए तो एक जुमला पढ़ रहे एक दुआ की मेरा सलाम रसूल की बारगाह में, मेरे महबूब मेरा ये सलाम मेरे रसूल की बारगाह और ए अल्लाह मेरे इस सलाम को इस बात के साथ पहुंचा दे कि कह दे कि ए अल्लाह के रसूल मैंने आपकी मोहब्बत आपके बैत की मोहब्बत में अपना ये छोटा सा नजराना पेश कर दिया, मेरा ये नजराना कबूल पा। फिर तारीफ नहीं करे जुमला ने कहा जब आए तो मुझे दो जुमला तारीफ सुना रहे और आ जाता हूँ गुलजार की तरफ। जब आए जब आप सराहने में थे तो आखिर खोली जुमला फरमाया मौला क्या मैंने आपका हक अदा किया, मैं मेरा आपका मैंने हक अदा कर दिया, मैं मेरे मौला मैंने कोई कोई तारीफ कोताही तो नहीं की। फरमाया अजब जुमला में ये तारीखी जुमला है जो सईद के लिए एक तंबा एक ताज है जो कयामत तक उनके सर पे सजा रहेगा। फरमाया सईद तुम इसी दुनिया में मेरे आगे खड़े नहीं थे जन्नत तभी मेरे आगे आगे चलोगे, तुम्हारा इमाम लोगों के झुटमुट में होगा और तुम इमाम की हिफाजत से जैसे यहाँ हो वैसे ही वहां अंधेरे अंत अमामी फिर जन्नत, सही जन्नत में भी मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे आगे आगे अंदाजा कर सकते हैं। ये वो सही था जिसका विजन अपने मौला के लिए इतना था
कि मेरी जिंदगी एक है अगर मेरी जिंदगी ने मेरे मौला को आप अंदाजा करें ये वो चीज थी जिसको देखकर मौला इमाम ज़मान सलाम कर रहे और वो जुमले थे जो खुद सईद ने कहा और इमाम इतना है कि दुनिया में कोई उसको पीछे नहीं कर सकता लेकिन आप देखेंगे हुसैन से मोहब्बत इन संसार की कैसी थी उसी में मैंने एक जगह देखा आपके लिए ये अतीरी का वक्त है और अतीरी के जमाने में उसी करबला पे जब मौला आशूर के नहीं कह रहे थे ना उसी दिन एक सहाबी था मैं इसका भाई नाम ले रहा हूँ अली इब्ने मुजाहिर जब मौला ने इसका भी नाम लेकर अली ज्यादा है चले जाओ ये जो है अली इब्ने मुजाहिर असदी कबीले के थे जो आज भी बनी असद कहला थे उनकी दौजा भी थी दोनों जवान थे जवान ने कहा अली तुम जवान हो चले जाओ मैं अपनी बहन उठा लेता हूँ और यही नहीं चलेगा अपनी बीवी को भी ले लो इसलिए कि ये बहुत मेरे पास बहुत जलील लोग हैं ये असीर करेंगे तुम्हारी बीवी ये खैमे से आया अपनी बीवी के पास उसने कहा कि देखो मौला ने कहा है कि चले जाओ मैंने कहा नहीं मौला मैं तो नहीं जाऊँ तो इमाम ने कहा अपनी बीवी को जाओ बनी असद तो यही रहते छोड़ो अब तुम क्या कहती हो जैसे ही उसने सुना उसने अपना सर खेमे के उमूर लकड़ी के मार लिया और खून निकलने लगा तो इसने कहा अली तुम्हें शर्म नहीं आई तुम मेरी फिक्र में आए हो मुझे अपने घर पहुंचाने के लिए अपने कबीले में पहुंचाने के लिए मुझे पहुंचा दो किस लिए कि मैं असीर ना हो जाऊं और तुम्हें ख्याल नहीं आया तो ऐसा नहीं होगा ऐसे ही तुम्हारी मेहनत तो क्या हो गया है अगर तुम इमाम की नुसरत से जान दे सकते हो तो मैं इनसे शादियों की हिफाजत से अपनी जान नहीं दे सकती हूँ अपने फादर को बता दे कर सकती है सईद मैं इनकी हिफाजत के लिए करीजों की तरह इनके इर्द गिर्द घूमती रहूंगी ताकि किसी का इस पर साया न पड़े मैं जुमला कहना चाहता हूँ शायद बाहर पकाते से ये जुमला मिलता है शहजादी कहीं भी जाती थी ये औरतें चारों तरफ से बीवी को घेरे रहती थी हत्ता शाम के दरबार में जब बीवी गई तो कहता है कौन सी बीवी है जो सैलानियों के झुरमुट में आ रही है किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता ये जहरा की लाडली जैनब है ये अली की बेटी है और वहां पे आजा ये किस कदर हुसैन बात थी कि जहां नुसरत करने के लिए मर्द है वही नुसरत करने के लिए औरतें भी थी हाँ अजीजो एक मंजर और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आज शबे जुमा है इन सैदानियों की मदद करने के लिए जो तादेईन की औरतें साथ आती उन्होंने कैसी मदद की है तारीख ने लिखा है जहां सैदानियां गई ये उनके पीछे पीछे गई करबला आई तो भी थी तूफे गई तो भी थी शाम गई तो भी कुछ वफादार थी और माँ अदा लेकिन आज शबे जुमा में हमारी शहजादी खुद करबला ज़ियारत करने जाती है आप जानते जानती है तो क्या होता है इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने खुद फरमाया था शाबाश शबे जुमा जब करबला आया करो तो एक बात का ध्यान दिया करो एक बात मैं तुमसे कहने आया हूँ और एक नसीहत करने आया हूँ शाबाश से पूछा मौला क्या नसीहत करने वाले हो कहा ऐ शाबाश जब मेरी ज़ियारत के लिए आया करो तो तुम्हें यह ख्याल न रहता है कि मैं अपने जायरों का ख्याल नहीं रखता हूँ नहीं हम शाबाश मैं अपने हर जायर का ख्याल रखता हूँ तुम्हें पता नहीं है अरे कमजोर से कमजोर हो जाए या ताकत से ताकतवर हो जाए मैं हर जायर का ख्याल रखता हूँ अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मौला शायद मेरा ख्याल नहीं रखते शाबाश मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ मैंने तुम्हारा क्या ख्याल रखा है दूसरी बात शाबाश तुमसे ये कहने आया हो कहा बोला हो क्या कहने आया हो कहा जब शबे जुमा आओ तो इस बात का ध्यान रखो कि मेरे अली अकबर का लोहा न पढ़ो मेरे अली अकबर का बताया न पढ़ो कहा बोला मेरे पढ़ने पे कोई गलती करती मुझसे कोई गलती हुई कहा नहीं शाबाश नहीं बस एक जुमला कह के बात खत्म करना चाहता हूँ लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ
उसके बाद ये जुमला कहना चाहता हूँ, रवायत का जुमला है, जब जनाबे अकबर की लाश शहजादे पे लिटा दी गई, लाकर शहजादी ज़ैनब ने फरमाया पिता जाओ अली अकबर की माँ को बुलाकर लाओ, आखिर पाला मैंने है लेकिन माँ तो वो है, पुर्जा हमें देना है। तारीख कहती जनाब पिता कहीं जाकर कहा बीवी आपके लाश आए हैं, उल्टा कबूल कर लीजिए, आइए हम मातम कर रहे हैं, मातम में शरीक हो जाएंगे। मक्तर कहता है थोड़ी देर जब न आई, थोड़ी देर न आई तो शहजादी खुद उठी, कुछ खरीदने से गई जो अली हुमे लैला का था, कहा भाभी आओ अरे अली अकबर को मातम करना है, पुरसा कबूल कर लो। अजब जुमला उस दुखी आली माँ ने कहा, कहा बीबी मेरा हाथ पकड़ कर ले चलो, अरे मैंने जब से सुना मेरा अकबर मार गया, खैमे का दरवाजा टूट गई हूँ, अरे कभी इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ, मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता, शाबाश अरे मेरी माई है करबला, अरे अकबर का बताए सुनकर हम तक में होश है, मेरी माँ को मेरे अकबर का बताए बर्दाश्त नहीं। Thank you.